गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है हाउ टू स्विच योर करियर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। मैंने बहुत सारे दोस्तों से बात की जो काम करते हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, और उन लोगों को अभी जॉब स्विच करना है आईटी में, क्योंकि एज कम्पेयर टू मार्केट स्टैंडर्ड्स मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की सैलरी इतनी बढ़ती नहीं जो आईटी में बढ़ती है। तो मैंने इस वीडियो में कुछ स्टेप्स दे के रखे हैं जो यूज करके आप सच में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कौन सी भी स्ट्रीम हो उससे आप स्विच करना चाहते हो आईटी में, तो क्या क्या जरूरत है, क्या स्टेप्स करने की जरूरत है, कहाँ से हम शुरू करें, ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको अगर मुझे कॉन्टेक्ट करना है तो आप complexsql@gmail.com पे मेल कर सकते हो। किसी भी बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप मेल कर सकते हो। तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से। पहली स्टेप है सेल्फ असेसमेंट। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हम मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और ओवरनाइट हम आईटी में जा रहे हैं दूसरे ही दिन, ऐसा नहीं है। आपको पहले सेल्फ असेस करना पड़ेगा कि कौन से स्ट्रीम में जाना है आपको। स्विचिंग जॉब फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टू और एनी अदर बैकग्राउंड और करियर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्वायर सम प्लानिंग एंड एफर्ट। आपको पहले सेल्फ असेस करके पहले एक आपका प्लान बनाना होगा। पेपर पेज लेके आइए, सेल्फ असेसमेंट शुरू करिए। उसमें आपको क्या करना है, इवेल्युएट योर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड इन आईटी। आपको सच में इंटरेस्ट है क्या आईटी में, ये पहले आप आंख बंद करके सोचिए कि इंटरेस्ट है क्या आईटी में। आई एम फॉन्ड ऑफ कंप्यूटर्स और नॉट, ये सब आप सोचिए। कंसिडर योर रीजन फॉर स्विचिंग एंड आइडेंटिफाई स्विचिंग। पहले आप स्विच क्यों करना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम सैलरी रीजन, हमें रीजन चाहिए, रीजन ढूंढना है कि क्यों आप स्विच करना चाहते हो आईटी इंडस्ट्री में। आई नो सैलरी ये मेन रीजन है, की रीजन है, बट आपको ये इंटरव्यू में पूछेंगे क्यों आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब अच्छे से चल रहा है, आप क्यों स्विच करना चाहते हो आईटी। तो आप सैलरी छोड़ के भी बता सकते हो कि आई एम फॉन्ड ऑफ कंप्यूटर्स, आई एम फॉन्ड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी हैकिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, एंड ऐसे स्टोरी बना के आप बोल सकते हो उनको। तो वो आप पहले एक पेपर पेज ले लीजिए और आपको क्यों स्विच करना है वो रीजंस एक बार लिख लीजिए कि व्हाई यू वांट टू स्विच जॉब फ्रॉम मैकेनिकल टू आईटी इंडस्ट्री। ओके, सो identify such specific areas in the IT that appeal you, such as software development, cyber security, data analysis or network administration. ऐसे areas देखें जिसमें आप काम करना चाहते हो in IT industry. Okay? So ये आपका पहला step रहेगा। पहले stage में self assessment करना है आपको। Second step क्या है? The second step है research. ये भी बहुत important step है। आजकल के जमाने में हर एक दिन आईटी इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है, तो आपको वो रिसर्च करके रखना है कि गेन अ थरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी फील्ड। आईटी फील्ड में आजकल क्या चल रहा है, इसका रिसर्च नॉलेज आपको रहना चाहिए। लर्न अबाउट डिफरेंट रोल्स, स्किल्स रिक्वायर्ड, करंट ट्रेंड्स। पहले आपको कौन कौन से रोल्स है आईटी इंडस्ट्री में, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि XYZ कंपनी में रोल स्टार्ट होता है सॉफ्टवेयर एनालिस्ट का, रोल्स रहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के, सॉफ्टवेयर टेस्टर ये एक रोल है, स्क्रम मास्टर ये डिफरेंट रोल आजकल क्रिएट हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, POs लाइक प्रोडक्ट ओनर, ये सब रोल्स है आईटी के। और आप किस रोल में फिट बैठते हो, किस रोल में आप जाना चाहते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका आपको नॉलेज जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अलग सा, व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स इन आईटी, व्हाट आर द डिफरेंट स्किल्स रिक्वायर्ड, करंट ट्रेंड्स क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च करना, एक्सप्लोर द जॉब डिस्क्रिप्शन, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस रिलेटेड टू आईटी रोल्स दैट इंटरेस्ट यू। सो आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है कि कौन से रोल आपको टारगेट करने, वो रोल आप एक पेपर पेज पे लिख दीजिए कि भाई ये रोल है, ये मैकेनिकल इंडस्ट्री के रोल है, ये आईटी के रोल है और यहाँ पे मैं फिट बैठ सकता हूँ या ये मुझे रोल टारगेट करने हैं।
मुझे एग्जांपल देना है कि आप टारगेट कर सकते हो, अगर आपका एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 से 5 साल का है, तो आप टारगेट कर सकते हो टेस्टर के रोल, सॉफ्टवेयर टेस्टर के रोल। उसमें आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना पड़ता है, और वो रोल भी बहुत अच्छा रोल है जो मैनेजर तक जाता है, नहीं तो सपोर्ट रोल्स भी आप टारगेट कर सकते हो रादर देन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट रोल्स। थर्ड स्टेप क्या है, तो आइडेंटिफाई ट्रांसफरेबल स्किल्स। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने तो काम करके रखा होगा, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर एज अ एग्जाम्पल करके रख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको स्किल्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आप ट्रांसफर कर सकते हो आईटी में, जो चलते हैं आईटी इंडस्ट्री में भी। ओके, कुछ कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो आईटी इंडस्ट्री में लगते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर के साथ आपको बात करनी पड़ती है आईटी इंडस्ट्री में, वो मैकेनिकल में भी करना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क, ये सब स्किल्स है वो ट्रांसफरेबल स्किल्स है फ्रॉम एनी अदर इंडस्ट्री, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टू आईटी इंडस्ट्री। हाईलाइट दिस स्किल्स ऑन योर रिज्यूम एंड जॉब इंटरव्यूज। जब आप जॉब इंटरव्यू देते हो, तब आपको ये हाईलाइट करना है कि भाई मैंने मैकेनिकल में काम किया है, मैंने मैकेनिकल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम हैंडल करके रखी है, तो आई नो व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वैसे आप हाईलाइट करना है, आपको सीवी पे भी हाईलाइट करना है। सीवी पे कैसे हाईलाइट करना है मैं सीवी डिजाइन के लेक्चर में बोल दूंगा, और जॉब इंटरव्यूज में भी बताना है। नेक्स्ट इज, मैंने ये बंदा देख के रखा है, देखो ही इज ट्राइंग टू फिल द नॉलेज गैप। ये लेफ्ट साइड का मैकेनिकल कंसिडर कर सकते हो, राइट साइड का आईटी कंसिडर कर सकते हो, और वो फिल नॉलेज गैप, ये आपका स्टेप 4 रहेगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर चूजन आईटी रोल। सो मैंने सेकंड स्टेज में क्या बोला आपको, रोल्स चूज करके रखना है आपको। रोल चूज करके आपको उस रोल के लिए क्या नॉलेज गेन करना है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सॉफ्टवेयर टेस्टर है, उसमें मैनुअल टेस्टिंग रहता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग रहता है अलग सा। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से कोर्सेस है, वो कोर्सेस आप ऑनलाइन कर सकते हो। ओके, अब वर्कशॉप अटेंड करने हैं आपको, या आप छोटा सा डिग्री भी ले सकते हो, जैसे कि आजकल डेटा एनालिसिस का एक डिग्री चल रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा, तो आप वैसा एक डिग्री ले सकते हो 5-6 महीने। नॉलेज गैप फिल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसमें बहुत टाइम जाता है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको जॉब गेन करना है। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई आज मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, मैं आज जॉब स्विच कर रहा हूँ और कल मेरे को जॉब मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उस पर काम करना है पूरा। स्टार्ट विथ फाउंडेशनल आईटी कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर आप आईटी में आ रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, कौन कौन से डेटाबेस यूज होते हैं, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स का पता रहना चाहिए आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से आईटी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ये पता रहना चाहिए। आप मेरे चैनल पे जाके आप कुछ वीडियो देख सकते हो जो फ्रेशर के लिए है, तो आप मेरे चैनल पे जाओ, एसक्यूएल क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर ये देख लो, बिजनेस एनालिस्ट के लिए कुछ स्किल क्वेश्चंस मैंने देख के रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू फिल द नॉलेज गैप। ओके, सो नेक्स्ट क्या है स्टेप, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप एक एक्सपीरियंस मैकेनिकल इंजीनियर या एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इससे स्विच करके एज ए एक्सपीरियंस आईटी इंजीनियर आपको जॉब चाहिए, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है। वो गेन कैसे करते हैं, सो लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन आईटी। आपको ये नेट पे ही चेक करना है। कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रहते हैं बहुत सारे कंपनीज में, वो फ्री प्रोग्राम्स रहते हैं, पार्ट टाइम प्रोग्राम्स भी रहते हैं, वो भी आप देख सकते हो, इंटरनेट पे जाके सर्च करो कि फ्री इंटर्नशिप प्रोग्राम्स फॉर आईटी जॉब्स, वो आप पार्ट टाइम कर सकते हो, वॉलेंटियरिंग कर सकते हो। वॉलेंटियरिंग मतलब अगर कोई आपका दोस्त है वो आईटी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है, तो
मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके सिर पे जाके बैठ लो कि क्या काम करता है, बट जस्ट आप वॉलंटियर कर दो उसके काम को, सो दैट यू विल गेट टू नो कि क्या चलता है आईटी में. ओके, वर्किंग ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स टू डेवलप योर स्किल्स एंड बिल्ड अ पोर्टफोलियो. ओके, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज हाईली वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स एंड कैन हेल्प यू टू स्टैंड आउट इन जॉब मार्केट्स. समझो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ले रहा हूँ दो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोक्स का. एक ने इंटर्नशिप करके रखी है कोई एक्स वाई जेड कंपनी में और एक ने इंटर्नशिप नहीं करी है, तो मैं किसको एज दूंगा? मैं जिसने इंटर्नशिप की है उसको ले लूंगा ना मैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है. तो आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने की सोचो, कैसे कर सकते हो. नेक्स्ट है नेटवर्किंग. नेटवर्किंग मतलब क्या? ये नेटवर्किंग टेक्निकल नेटवर्किंग नहीं है. एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आपको बहुत सारे आईटी टूल्स जैसे लिंक्डइन या नौकरी.com ये यूज अब बहुत कम करते हो, और आपको यूज कैसे करना वो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता. तो पहले आपको क्या करना है, प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करना है. आईटी में प्रोफेशनल नेटवर्क बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, टू अटेंड द इंडस्ट्री इवेंट्स, ऑनलाइन इंडस्ट्री इवेंट्स रहते हैं वो अटेंड कर दो. ज्वाइन रिलेवेंट ऑनलाइन कम्युनिटीज, कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज कनेक्ट कर दो. मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, आप कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज करके आप ढूंढ सकते हो, वो ऐड कर सकते हो, उसमें आप बातें करो. कनेक्ट विथ प्रोफेशनल्स ऑलरेडी वर्किंग इन द फील्ड, जो प्रोफेशनल है जो काम कर रहे हैं उसके साथ बात करो. नेटवर्किंग कैन प्रोवाइड यू वैल्यूएबल इंसाइट्स, मेंटरशिप एंड पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो ये नेटवर्क क्या करता है, आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है, मेंटरशिप देता है, और पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में भी मदद कर सकता है. जैसे कि आप मेरे साथ नेटवर्क बनाने का बनाना शुरू करो. मैं लिंक्डइन का आईडी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप लिंक्डइन को ज्वाइन करो मेरे साथ, और हम ऐसा नेटवर्क डेवलप करेंगे प्रोफेशनल जो इम्पोर्टेंट हो पोटेंशियल जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करने में. ओके, सो ये 6 स्टेप है आपका, कैसे नेटवर्क बिल्ड करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा. नेक्स्ट एंड मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसते हैं, अपडेट योर रिज्यूम. सो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैकग्राउंड, आपको क्या रहता है कि कौन सा प्रोजेक्ट ऐड करना है आपको आईटी का, ये पता नहीं रहता. तो टेलर योर रिज्यूम टू हाईलाइट योर रिलेवेंट स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस. कैसे रिज्यूम डेवलप करना है मैकेनिकल इंजीनियर को, क्या करना है, क्या लिखना है रिज्यूम में, ये पता नहीं रहता. ये सब मैं देने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोज में, बट अभी फिलहाल के लिए आप आपका रिज्यूम हाईलाइट कर दो आईटी रिलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से. आपने जो स्किल सेट ये किया है, जो रोल टारगेट किया है, उसके हिसाब से आपको एक सीवी बनाना है. एम्फसाइज योर ट्रांसफरेबल स्किल एंड आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और कोर्स वर्क यू हैव कंप्लीटेड. कंसिडर इंक्लूडिंग द स्किल सेक्शन दैट लिस्ट योर टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज. टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज जो जो है आपके, वो सब ऐड करने हैं आपको, हाईलाइट करने हैं रिज्यूम के ऊपर. रिज्यूम बिल्डिंग इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, ये मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे करते हैं रिज्यूम बिल्डिंग. एज अ अदर मतलब एज अ अदर स्ट्रीम टू आईटी स्ट्रीम, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री के लोगों को पता रहता है कि कैसे डेवलप करना है रिज्यूम, कैसे हाईलाइट करना है स्किल, बट अदर इंडस्ट्री लोगों के लिए मैं बताऊंगा. कहाँ से स्टार्ट करना है ये लोगों को पता नहीं रहता, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. नेक्स्ट स्टेप इज जॉब सर्च एंड एप्लीकेशंस. सो इन आईटी इंडस्ट्री वी आर यूजिंग लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, लाइक नौकरी.com हम यूज करते हैं, हम monster.com यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज कर सकते हैं, indeed.com यूज करते हैं, ये बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं. बीइंग सर्चिंग फॉर एंट्री लेवल आईटी पोजीशंस दैट अलाइन योर इंटरेस्ट एंड स्किल्स. ओके, पहले स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए, आपने स्किल भी गेन कर दिया, अभी मौका है जॉब सर्च करने का.
कौन कौन से जो जॉब सर्चिंग नेटवर्क है वो इम्पोर्टेंट है जहाँ पे हम जॉब सर्च कर सकते हैं, ये भी हम मैं बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकली मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे जॉब अप्लाई करते हैं आपको naukri.com पे भी, linkedin.com पे भी, कैसे हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं monster.com पे, ये सब मैं प्रैक्टिकली अपकमिंग वीडियोस में दिखा दूंगा। ओके, लेवरेज ऑनलाइन जॉब बोर्ड्स, प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, कंपनी वेबसाइट टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, कस्टमाइज योर जॉब एप्लीकेशंस टू शोकेस योर सुटेबिलिटी फॉर द रोल, एक्सप्लेन हाउ योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और एनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज एन एसेट। आपको ये एसेट करके कैसे शोकेस करना है ये पता रहना चाहिए। जैसे कि मेरे कंपनी में एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक अलग सा सेपरेट सा एक बिजनेस यूनिट है। ओके, सो उस बिजनेस यूनिट में कुछ कंसल्टेंट लगते हैं हमें जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो वो आप शोकेस कर दो, वहां पे आपको टारगेट करना है। कैसे टारगेट करना है मैं बता दूंगा अपकमिंग वीडियोस में। कंटिन्यूअस लर्निंग, सो आप अगर आईटी में आना चाहते हो, आईटी इज अ रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड, चेंजिंग फील्ड, सो कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कमिट करना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को कमिट करना है। आपको एवरीडे कुछ ना कुछ लर्न करना है। स्टे अपडेटेड विद न्यू टेक्नोलॉजीज, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, परस्यू सर्टिफिकेशन दैट आर रिलेवेंट टू योर चूजन आईटी स्पेशलाइजेशन एंड दे कैन एनहांस योर क्रेडिबिलिटी एंड ओपन अप द न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो लेट से मैंने एक रोल टारगेट किया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, तो आप क्या करो, पहले आपको चेंज, आईटी इज वेरी वोलाटाइल इंडस्ट्री। ओके, सो आपको क्या क्या इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, उसके बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कौन से सर्टिफिकेशन आजकल चल रहे हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या है, ये सब आपको पहले पता करना है और उस डायरेक्शन में ही आपको काम करना है। आप ऐसा मत करो कि भाई मेरे को अभी मैकेनिकल से यहाँ पे स्विच करना है तो मैं डेवलपमेंट में भी जॉब देखूंगा, टेस्टिंग में भी देखूंगा, ऐसा मत करो। आप एक रोल स्पेसिफाई करो और रोल के हिसाब से चलना है हमें। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज बी परसिस्टेंट एंड अडेप्टेबल। स्विचिंग करियर्स कैन बी चैलेंजिंग, आपको तो पता है ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। आपने ये वीडियो देखा है मतलब आप शुरू करने वाले हो स्विच का प्रोसेस आपका, तो ये बहुत चैलेंजिंग है। तो परसिस्टेंस इज द की, बी ओपन टू स्टार्ट एंट्री लेवल पोजीशंस। ओके, अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है और आपको आईटी में एंट्री लेवल पोजीशंस भी मिल रही है तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत बढ़िया है। आप एंट्री लेवल पोजीशंस पे जाओ और ग्रेजुअली आप बढ़ सकते हो आपके टारगेट के ऊपर। ओके, सो अडाप्ट टू चेंजिंग जॉब मार्केट एंड टू बी विलिंग टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एज अ आईटी इंजीनियर आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। ओके, सो ये अगर चेंज आपको एक्सेप्ट है, ये चेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो ही स्विच करो, नहीं तो स्विच करने की कोई जरूरत नहीं, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। ओके, रिमेंबर दैट द पाथ टू स्विच करियर्स में वेरी ईच इंडिविजुअल। सो ये जो मैं बता रहा हूँ 10 स्टेप्स, ये हर एक के हार्डवर्क के हिसाब से चेंज होगा। कौन कितना डेस्परेट है जॉब पाने के लिए आईटी में, उसके हिसाब से चेंज होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड, बी पेशेंट, प्रिजर्व थ्रू द ट्रांजिशन प्रोसेस। ओके, ट्रांजिशन प्रोसेस जो आपने शुरू किया, अभी आपने ये वीडियो फर्स्ट देखा है तो आप अपना ट्रांजिशन प्रोसेस शुरू कर रहे हो, आई एम श्योर आप शुरू करोगे, तो उस ट्रांजिशन प्रोसेस में आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है। ओके, बहुत फोकस रहना है, पेशेंस की जरूरत है। 3-4-5 महीने आप सिर्फ दे दो आपको आपके ट्रांजिशन प्रोसेस के लिए। आप अगर ये सब वीडियो के सीरीज देखोगे और ये सब करोगे जो मैं बोल रहा हूँ, 101% मैं श्योर हूं कि आप स्विच कर सकते हो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से आईटी में। ओके, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल
आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज पहले आप सब्सक्राइब कर देना चैनल, बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना, और फिर मेरे को complexsql@gmail.com पे कभी भी कांटेक्ट कर देना। मैं आपके हर एक मेल का जवाब दूंगा, कोई भी इश्यू हो तो। चलो, थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड चीयर्स।